नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केमिकल सेल्स, रासायनिक सेल क्या होते हैं एवं यह सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं एवं द्वितीय सेल कौन कौन से होते हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एवं इसके जो डिफरेंस है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जब तक अगर आपने हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, केमिकल सेल रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, सामान्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी सेल, दूसरा है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल उन्हें कहते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनके उपयोग करने के बाद में उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता या आवेशित नहीं किया जा सकता, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। तो दोस्तों, प्राथमिक सेल या हम इसको इस प्रकार समझें कि कोई भी हमने सेल लिया, ये जैसे कोई हम घर में घड़ी का सेल है, वो यूज़ करने के बाद में उसे दोबारा फेंक देते हैं क्योंकि या तो चार्ज नहीं होता है या वो कोई काम का नहीं रहता है। तो कुछ इसी प्रकार के सेल होते हैं, वे सारे के सारे सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जैसे कि हमने यूज लिया और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, काम में लो और फेंक दो। तो इस प्रकार के सेल होते हैं जिनको कभी आवेशित नहीं किया जा सकता या चार्ज नहीं किया जा सकता, वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हैं वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल जो होते हैं वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन्हें दोबारा आवेशित करना मुश्किल होता है या नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है डेनियल सेल, उसके बाद में शुष्क सेल, उसके बाद में आता है दोस्तों मरकरी सेल एवं सिल्वर ऑक्साइड सेल एवं जिंक कार्बन सेल। इन्हें लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। कार्बन सेल जो होते हैं, जिंक कार्बन सेल, उन्हें लेक्लांसी सेल भी बोला जाता है, कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल कि प्राथमिक सेल के कौन कौन से होते हैं। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, जिन बैटरियों को या जिन सेलों को पुनः आवेशित करके पुनः विद्युत ऊर्जा ली जा सकती है, उन्हें रिचार्जेबल बैटरी या रिचार्जेबल सेल्स कहते हैं। वे सारे के सारे सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो दोस्तों, या हम इसको इस प्रकार समझें कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दें, वे सारे के सारे सेल द्वितीयक सेल कहलाते हैं। वो प्राथमिक सेल क्या करते थे दोस्तों, कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते थे एवं वो बनते ही अपना ईएमएफ देना चालू कर देते थे। ये सेकेंडरी सेल में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी सेल में क्या होता है दोस्तों, कि ये बनने के बाद में या इनकी कंस्ट्रक्शन करने के बाद में, इन्हें चार्ज करने के बाद में ही ये ईएमएफ देना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार के सेल सारे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो द्वितीयक सेल कौन कौन से होते हैं, आइए इनके बारे में जान लेते हैं। कि पहला है सबसे पहले लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल ये सेकेंडरी सेल्स के अंदर आते हैं। और निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल, इनके और भी एग्जांपल्स हैं, वो उनको मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जा कर के इसके लेड एसिड सेल और ड्राई सेल्स, इनके वीडियो जरूर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।